वृश्चिक राशि वालों नमस्कार मित्रों, जय माता दी। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। वृश्चिक राशि वालों मित्रों, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करते हैं भगवान सूर्यदेव महाराज जी के आशीर्वाद से आप सभी बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। और भगवान सूर्यदेव महाराज जी से प्रे करते हैं, ईश्वर आपको इतनी कामयाबी दे, इतनी तरक्की दे, ताकि वृश्चिक राशि वालों आप अपने जीवन काल में दिन दोगुनी रात सोगुनी तरक्की करें। वृश्चिक राशि वालों, आज शाम 4:47 बजे से आपकी जिंदगी में एक भयानक खुशखबरी दस्तक देने वाली है। जी हाँ वृश्चिक राशि वालों, कमरा बिल्कुल खाली हो तभी देखना, यह राज की बातें आपके पड़ोसी को भी पता नहीं चलनी चाहिए। क्योंकि दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपकी जिंदगी का वो रहस्य बताने जा रहा हूँ, जिसे सुनकर आपके दोनों आंखें खुशी के आंसुओं से भर जाएंगी। जी हाँ वृश्चिक राशि वालों, दोस्तों जानकारी के लिए हम आप सभी को बता दें, आपके भाग्य परिवर्तन होने जा रहा है। भगवान माँ लक्ष्मी जी अब आपको बड़ी बड़ी तरक्की देने वाली है, बड़ी बड़ी कामयाबी देने वाली है। जी हाँ दोस्तों, आज की यह वीडियो में हम आपको जो बात बताने वाले हैं, आप भूलकर भी मिस मत कीजिएगा। क्योंकि दोस्तों, अगर आपने इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देख लिया और इन बातों को अपने माइंड में बिठा लिया, तो दोस्तों यकीन मानिए आपका जीवन पूरी तरह से बदल जाएगा। जी हाँ दोस्तों, इसलिए दोस्तों आप इस वीडियो को बिल्कुल भी मिस ना करें और इन्हें शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। क्योंकि दोस्तों, भगवान माँ लक्ष्मी जब आपको इतनी बड़ी बड़ी कामयाबी, इतनी बड़ी बड़ी तरक्की देने वाले हैं, तो ऐसे में दोस्तों आपका भी दायित्व बनता है कि आप इन कुछ बातों को अपने ध्यान में रखें। क्योंकि दोस्तों, यही वो बातें हैं जो कि आपको आगे बढ़ने नहीं दे रही है, बल्कि आपको पीछे की ओर लेकर जा रही है। और आप अपने जीवन काल में यही सोच सोच कर दिन रात परेशान रहती हैं कि हे भगवान, हे प्रभु, हमने ऐसी कौन सी गलती की है जो कि हमारा जीवन न खिल रहा है और न फल रहा है। मेरी किस्मत में किसकी नज़र लगी है जिससे हम आगे नहीं बल्कि पीछे की ओर जा रहे हैं। लेकिन दोस्तों, अब आपको घबराने की और चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि दोस्तों, भगवान माँ लक्ष्मी अब आपकी सुनेंगे भी और आपकी इच्छाएं पूरी भी होंगी। जी हाँ दोस्तों, आपने सुना भी होगा और देखा भी होगा कि जब जीवन के सारे दरवाजे बंद हो जाते हैं, तो उस समय भगवान कोई ना कोई रास्ता ज़रूर खोलता है। और दोस्तों, जानकारी के लिए हम आप सभी को बता दें, भगवान ने आपके वो रास्ते खोल दिए हैं, लेकिन ज़रूरत है आपको उसे पहचान करने की। जी हाँ दोस्तों, सही समय पर अगर आप सही पहचान कर लेते हैं, तो किस्मत ही आपका बदल जाएगा। जी हाँ, अब सवाल उठता है कि हम उसकी पहचान कैसे करें। जी हाँ दोस्तों, लेकिन ऐसे सिचुएशन में यही राशिफल हमारा काम आता है। यही राशिफल हमें सही उद्देश्य देता है, सही रास्ता दिखाई देता है। जी हाँ दोस्तों, किस रास्ता पर चलना चाहिए, किस रास्ते पर नहीं चलना चाहिए, कौन सा काम करना चाहिए, कौन सा काम नहीं करना चाहिए, किससे हमें लाभ होगा, किससे हमें नुकसान होगा, A to Z सारी जानकारियाँ यही राशिफल देता है। इसलिए दोस्तों, आपसे अनुरोध है, इसे आप शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा। लेकिन उससे पहले माँ लक्ष्मी, भगवान सूर्यदेव महाराज जी के जो भी सच्चे भक्त वीडियो को एक प्यारा सा लाइक करके कमेंट बॉक्स में जय माँ लक्ष्मी, जय सूर्यदेव महाराज लिखेगा, उनके जीवन के सारे दुख दर्द हमेशा के लिए मिट जाएंगे। तो आप जरूर लिखिएगा। आइए दोस्तों, बात करते हैं और इसी के साथ जानते हैं कैसा रहेगा आज आपका राशिफल। वृश्चिक राशि वालों, माँ लक्ष्मी जी की आशीर्वाद से आज का दिन आपके लिए सुखद परिणाम लेकर आएगा। जी हाँ दोस्तों, आपको संतान पक्ष की ओर से कोई हर्षवर्धक सूचना सुनने को मिल सकती है, जिससे आपके दोनों आंखों में खुशी की आंसू होंगी। जी हाँ दोस्तों, यदि आपको स्वास्थ्य में कुछ समस्या चल रही थी, तो वह आज दूर होती हुई दिखाई देंगी। आपके घर आज किसी अतिथि का आवागमन होने से माहौल काफी खुशनुमा रहेगा। जी हाँ दोस्तों, किसी मांगलिक कार्यक्रम के होने से आज परिवारजनों का आना जाना लगा रहेगा। जी हाँ दोस्तों,
वही दोस्तों आपके लिए जो समय होंगे आपको बता दें, आपकी कोई पुरानी गलती से आज पर्दा उठ सकता है, सावधान रहिएगा। लेकिन दोस्तों फिर भी लोग आपसे नाराज नहीं होंगे। जी हाँ दोस्तों, आप अपने बढ़ते हुए खर्चों पर लगाम लगाने की पूरी कोशिश करेंगे जिससे आपका वह काम सफल हो सकता है। जी हाँ दोस्तों, वही दोस्तों आपके लिए जो समय होंगे आज का दिन आपके लिए परोपकार के कार्य के लिए रहेगा। जी हाँ, ईश्वर भक्ति में आज आपका अधिक से अधिक समय व्यतीत होगा। जी हाँ दोस्तों, आप अपने से ज्यादा दूसरों के कामों पर ध्यान लगाएंगे जिससे आपको नुकसान हो सकता है। आपको कार्य क्षेत्र के कुछ कामों को समय रहते पूरा करना होगा, नहीं तो आपके शत्रु आपके कामों में रोड़ा अटकाने की कोशिश कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, जीवन साथी के स्वास्थ्य में अकस्मात गिरावट के कारण आपको कुछ समस्या हो सकती है। आपको सावधान और सतर्क रहना होगा, एक दूसरे का अधिक से अधिक खास ख्याल रखना होगा। आपको किसी पुराने लेन देन से समय रहते चुकता करना होगा, नहीं तो आपको उसमें कोई समस्या बढ़ सकती है। जी हाँ दोस्तों, इसलिए दोस्तों आपको समस्या ना हो इसलिए पहले से ही सतर्क और पहले से ही सावधान रहें तो ये आपके लिए बेहतर होंगे। वही दोस्तों, आपके लिए जो समय होंगे, आपके दिनचर्या के लिए जो समय होंगे, आज का दिन आपके लिए उन्नति दिलाने वाला समय रहेगा। जी हाँ दोस्तों, आपको किसी नई संपत्ति की प्राप्ति होती हुई दिखाई दे रही है, फंसा हुआ धन मिल सकता है। अगर आपने पहले किसी को धन उधार दिया हुआ था तो वह धन आपको वापस मिल सकता है आज के दिन। जी हाँ, लेकिन आपको उसके चल व अचल पहलुओं को स्वाधीनता से जांचना होगा। कार्यक्षेत्र में अधिकारी आपके ऊपर काम का बोझ बढ़ा सकते हैं जिससे आप थोड़े बहुत व्यस्त रहेंगे, अपने परिवार के सदस्यों के लिए भी समय नहीं निकाल पाएंगे। जी हाँ दोस्तों, आपको आज अपने किसी मित्र के घर दावत पर जाने का मौका मिल सकता है। वाहन के प्रयोग से आज आप सावधानी बरतें, नहीं तो समस्या हो सकती है। सितारे कहते हैं आज आपको छोटी मोटी चोट या फिर छोटी मोटी दुर्घटना होने की आशंकाएं बन रही है। गाड़ी वाहन का प्रयोग कर रहे हैं या फिर किसी भी मशीनरी इलेक्ट्रॉनिक सामान का यूज कर रहे हैं तो जरा सावधानी पूर्वक कीजिएगा, आपके लिए बेहतर रहेगा। वही दोस्तों, आपके लिए जो समय होंगे, यह समय आपके लिए अकस्मात लाभ दिलाने वाला समय रहेगा। आपकी आर्थिक स्थिति मजबूत होने से आज आप प्रसन्न रहेंगे। जी हाँ दोस्तों, आपको आज परिवार के किसी सदस्य के कैरियर से संबंधित कोई फैसला शीघ्रता और भावुकता में नहीं लेना है। जी हाँ, नहीं तो आगे चलकर आपको समस्या हो सकती है, क्योंकि दोस्तों जल्दबाजी और हड़बड़ी में जब भी आप फैसला लेते हैं आपका सारा काम गड़बड़ ही होता है। इसलिए दोस्तों शांति मन से बैठकर एक दूसरे से सलाह मशवरा करके ही कोई फैसला लें तो आपके लिए बेहतर होंगी। जी हाँ, आज आपकी मान व प्रतिष्ठा भी बढ़ेगी। आपको अपने किसी पुरानी गलती के लिए पछतावा भी होगा जिसके लिए आपको माफी भी मांगनी पड़ सकती है। जी हाँ दोस्तों, अगर ऐसे सिचुएशन आए, ऐसी नौबत आए तो आप ऐसी कामों में पीछे मत हटिएगा। अगर एक दूसरे से माफी भी मांगना पड़े तो आप जरूर मांगिए, इससे आप छोटे नहीं बल्कि और भी बड़े होंगे। जी हाँ दोस्तों, जी हाँ दोस्तों, आज का दिन कुल मिलाकर आपके लिए मिश्रित रूप से फलदायक रहने वाला है। आप अपने खान पान की आदतों का विशेष ध्यान रखें। जी हाँ, और उसमें बदलाव लाने का प्रयास करें तो आपके लिए बेहतर होंगे, नहीं तो दोस्तों आपकी समस्या बढ़ सकती है। वहीं दोस्तों, आप आज कोई रुका हुआ काम समय पर पूरा कर सकते हैं और आपको अत्यधिक काम रहने के कारण थकान का भी अनुभव हो सकता है। काम के साथ साथ खुद को भी समय देना पड़ेगा। प्रतिस्पर्धा के क्षेत्र में भी आज आप आगे बढ़ेंगे और किसी बाहरी व्यक्ति के सामने अपने मन की सारी बातें नहीं रखनी, नहीं तो बाद में वो आपका मजाक बना सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, आप कोई पुराने मित्र की लंबे समय बाद मुलाकातें होगी जो कि आपको काफ़ी खुशी महसूस होगी। जी हाँ दोस्तों, दिन आपके लिए काफ़ी खुशनुमा रहने वाला है। रचनात्मक कार्य को करने में आपका खूब मन लगेगा। जी हाँ, आपको आज घर परिवार में चल रही किसी समस्या को नज़रअंदाज करने से बचना होगा, नहीं तो इससे आप
आपके आपसी रिश्तों में समस्या आ सकती है। यदि आपने पहले किसी को धन उधार दिया था तो आज वह धन आपको वापस मिलने से काफ़ी खुशी होगी, काफ़ी प्रसन्न रहेंगे। जी हाँ दोस्तों, आपको आज यदि कार्यक्षेत्र में कोई समस्या है तो भी आपको उसमें क्रोध करने से बचना होगा। जी हाँ दोस्तों, अगर क्रोध करेंगे तो समस्याएं और भी ज़्यादा बिगड़ती चली जाएंगी। जी हाँ दोस्तों, शांति मन से समस्या का समाधान ढूंढेंगे तो आपको समस्या का समाधान जरूर मिलेगा, इतना जरूर ध्यान रखिएगा। दोस्तों धन्यवाद, दिन आपका शुभ हो, मंगलमय हो।